ओम श्री विश्वनमः शेषाय शेषाय, ओम श्री लक्ष्मी माता वशी लक्ष्मी मा श्री लक्ष्मी माता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। आज का दिन अष्टमी और नवमी दोनों का, ठीक है ना? तो चलिए आज आपको अष्टमी और नवमी साथ में मिलकर मनाते हुए दिखाते हैं, पर थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, लंबा नहीं खींच पाएंगे, बहुत थोड़ा सा दिखाएंगे, ज्यादा बिल्कुल। तो चलो चलो। हलवा हमारा बन चुका है रेडी, आज वाइट हलवा है और तेल चढ़ चुका है पूड़ियों के लिए और ये चने मेरे बन चुके हैं। तो तैयारी करते हैं पूजा की। फिर पता ही है शौक है योगेश को पूरा पूड़ियाँ तलने का, तो योगेश ने मेरी हेल्प कर दी थोड़ी है, योगेश कंजूओं की। और फिर तैयारी करते हैं। पर एक बात है योगेश, नौमी भी है आज, अष्टमी भी, और अष्टमी हम अष्टमी पूछते हैं। आज हमारी अष्टमी, हाँ हम चल वो कर रहे हैं क्योंकि अष्टमी नवमी दोनों इकट्ठी हैं और हम कंज के बैठा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ लड़कियाँ मिलनी बहुत मुश्किल होती है, आना दूर दूर से। और हम सोच रहे हैं जैसे हर बार हम करते हैं, सारे पैक करेंगे और देते हुए चले जाएंगे। हाँ, रास्ते में। लास्ट टाइम भी हमने कंज के कितनी सारी दी थी, ज्यादा ही कर दी थी। चलो फिर चलो तैयारी करते, तो तैयारी करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो हमारी ये कंज के तैयार हो गई है, योगेश ने पूजा कर दी है, तो अब बस हमारा ब्रेकफास्ट होगा और हमारी पूजा भी हो गई, हमारा नाश्ता भी हो गया और अब हम तैयारी कर रहे हैं कंज के देने कंज की, के बांटने की। हाँ। और फिर आपको उसका अपडेट देते हैं। ये जोई ने भी पूजा की है, जोई को भी टीका लग गया है, जोई इज अ गुड बॉय और जोई अब कंज के बांटेगा, है ना? तो हम लोग निकल पड़े हैं कंज के देने नीचे, तो देखते हैं कहाँ मिलती है हमें कंज के लौंकड़ा, कहाँ मिलता है, तो उसी हिसाब से देंगे। एक कंज का हम दे चुके हैं जो कि वो नंदू की बेटी की, नंदू की बेटी की वो चली गई है। हाँ। और थोड़ी कंज के हम यहाँ बांट देंगे बस, बिल्कुल नीचे देख लेते हैं। ये मिल गई हमें कंज के दो और ये उनकी दादी। बाय बाय। जैसे ही हमने बोला हम कंज के देने छोटी छोटी बच्चियों को देंगे, इमीडिएट दो कंज के मिली और उन दोनों को हमने दे दी है। फिर आगे और दिखाते हैं, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं और कितनी कन्याएं कंज के हमें मिलती हैं। हाँ। तो योगेश को कंज के मिल चुकी हैं और योगेश कंज के देने में भाग रहे हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल से कंज के मिली है ना। हाँ। आज मिल नहीं रही थी कंज के, जल्दी जल्दी उठाओ, ठीक है सब बच्चों ये थैला ही उठा लेते हैं ना, बैग नहीं, एक बचेगा ना। हाँ। बस और सब बच्चों को कंज के अच्छे से देकर आना। आठ कन्याएं कंप्लीट हो गई, एक लौंगड़ा कंप्लीट हो गया, अब नौवीं कन्या ढूंढनी है। ये आज हमारा वो है टास्क है कि हमें नौ कन्याएं चाहिए और आठ कन्याएं हो चुकी है, वहाँ मिल गए थे इसका मतलब अच्छे से। हाँ, वो नीचे से ही आ रहे थे मंदिर से ना, माथा टेक के, बहुत अच्छा तो, और सबने चुनिया बांध रखी थी। नमस्कार। तो सारी कन्याएं हमें मिल रही है धीरे धीरे, अब बस एक कन्या बाकी, एक कन्या बाकी है तो वो भी मिल जाएगी अभी, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो। बिल्कुल, दो साल के बाद जब से मिक्की की शादी हुई है उसके बाद हम ऐसे कंज के बांट रहे हैं। हाँ। नहीं तो हम हमेशा भागते भागते बाहर देते। कोई नहीं, होता है, कभी टास्क देती है माता रानी भी। हमारा हो गया टास्क कंप्लीट और तो नौ देवियां एक लौंकड़ा। इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। सबको नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल से, और कल का दशहरा भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा निकले, तो दशहरे की भी शुभकामनाएं आज ही दे देते हैं, कल फिर दोबारा दे देंगे ब्लॉग। हाँ, ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।